हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब लोग? हम लोग पढ़ेंगे आज पी ब्लॉक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल, उसकी सारी केमिकल रिएक्शन, उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, और केवल 15 से 20 मिनट में। और ये गारंटी है, पूरा रिएक्शन आप ध्यान से देखेंगे, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता जो आपके दिमाग में पूरी तरह से घर ना बना ले। और वो घर आप जब खोल के देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन आपके खटाखट सॉल्व होने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई के बारे में सोच रहे हो, या आपका बोर्ड के लिए जा रहे हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लोरीन गैस मेरे साथ सीखिए ओनली 20 मिनट में। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में सबसे पहली छोटी छोटी बातें याद करी है आपको, रिएक्शन कराने जाना है प्रिपरेशन में, क्लोरीन गैस का आपको होना चाहिए मन कहे नमक लाए वो रिएक्शन। मतलब आपसे किसी ने नमक मांगा, आपका मन कहे लाओ, मन कहे ना लाओ, तो ये आपको पता है मन कहे नमक लाओ रिएक्शन। अगर ये सेंटेंस पता है तो प्रिपरेशन की कई सारी रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ मन से मतलब है यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, दिस इज द MnO2। यहाँ कहे का मतलब है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। और नमक का सिंपल मतलब समझते हो, नमक में तो कुछ करना नहीं है, नमक मिट्टी लगा के, यहाँ मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। और यहाँ लाओ से कोई लेना देना नहीं, यहाँ ला से मतलब है क्लोरीन गैस। मतलब ये आपको क्लोरीन गैस बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। आप ध्यान से देखिए क्या मैं करने वाला हूँ। आपका सबसे पहले रिएक्शन ये रहा आपका MnO2, इसमें मिलाया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमको कुछ सोचना नहीं है, प्रिपरेशन आप क्लोरीन का है, तुरंत आपको क्लोरीन गैस मिलने वाला। देखो ये मिला। अब बाय प्रोडक्ट कैसे बनाए, सबसे बड़ी समस्या भाई, बाय प्रोडक्ट बनाने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ आपके पास Mn है, यहाँ आपके पास फिर से क्लोरीन है, आपका ये दोनों फिर से रिएक्शन बनाएंगे और मेटल का सॉल्ट बन जाएगा MnCl2। बचा कौन भाई? बचा आपका ऑक्सीजन, बचा आपका हाइड्रोजन। कुछ करना नहीं, ये दोनों मिला के आपका क्या बना लेने वाले हैं बेटा, वाटर। अब एक मैं छोटा सा काम आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, वो रिएक्शन को बैलेंस करना, जो आप कर सकते हो, आपके बाएं हाथ का खेल है। ये आपका बन गया क्लोरीन गैस। आप एक काम और कर सकते हो कि HCl जो है इसकी जगह चाहो तो सोडियम क्लोराइड, क्योंकि नमक भी तो है, नमक का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए नमक का यूज़ करके दूसरा रिएक्शन देखते हैं। हमने लिया यहाँ MnO2 और इसमें क्या डाल दिया, नमक NaCl, और NaCl किसकी जगह है, HCl की जगह, और साथ में दूसरा एसिड आया जिसको कहते हैं H2SO4, किंग ऑफ केमिकल। भैया बना रहे हैं क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस मिलेगा, Cl2 गैस मिला, पंजेंट डिसमल प्रोड्यूस करता हुआ। साथ में यहाँ फिर मैंगनीज है, फिर क्लोरीन है, तो फिर से हमको मिल जाएगा मेटल का सॉल्ट MnCl2, ठीक है ना। फिर देख लीजिए यहाँ बाई प्रोडक्ट में, बाई प्रोडक्ट में टेंशन नहीं लेने का, बाई प्रोडक्ट खटाखट सॉल्व हो जाएंगे। आप देख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो क्लास 10th में पढ़ते आए हो आप। यहाँ आपका सोडियम क्लोराइड है, यहाँ H2SO4 है। अब आपको पता है कि सोडियम इज अ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ सोडियम तुरंत हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, हटाएगा, और हटाएगा तो क्या बनेगा, NaHSO4, और साथ में आपको क्या मिलने वाला है इसके साथ बेटा, वाटर, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और इस तरह से आप चाहो तो क्लोरीन गैस को मैंगनीज ऑक्साइड के दो रिएक्शन से सीख सकते हो। कितना समय लगा भाई, मुश्किल से 1.5 मिनट, दो रिएक्शन खत्म। तीसरा देखते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, इसके साथ कैसे बनाएंगे, इसके साथ भी कुछ सोचना ही नहीं आपको। आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, और आपको फिर से इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। जैसे इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, आपको तुरंत के तुरंत क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस, जो हम बना ही रहे हैं, कि पंजन डिसमल प्रोड्यूस करता हुआ। साथ में आपको क्या मिलने वाला है, आपको तो पता ही है, फिर से मिलेगा मेटल का सॉल्ट, लेकिन यहाँ मेटल का सॉल्ट MnCl2 मिल जाएगा, और आपके पास एक और मेटल है तो उसके साथ बना दो KCl। साथ में हाइड्रोजन बचता है, तो हाइड्रोजन बचता है तो छोड़ने का नहीं, यहाँ हमको क्या बना देने का, वाटर। दिस इज द 3 रिएक्शन ओनली 4 मिनट, और आपका ये 3 रिएक्शन प्रिपरेशन आप क्लोरीन जो लेबोरेटरी में बना सकते हो, आप इस तरह से सीख सकते हो। आपके साथ बोर्ड पे वाटर दिख नहीं रहा, लेकिन आपको पता है KCl के बाद यहाँ वाटर ही है, तो आप उसको समझ जाएं, इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर इसको हमको लार्ज स्केल पे बनाना हुआ,
CL2 को लार्ज स्केल पे बनाना होगा, तो CL2 को लार्ज स्केल पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आपको ये एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई एक लड़का था या लड़की थी, उसको करंट लगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, और जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगा उसके दांत कड़कड़ाने लगे, मारे डर के कांप रहा है, दांत कड़कड़ा रहा है। तो याद कर लो भाई छोटी सी कहानी कि इलेक्ट्रिसिटी से दांत कड़कड़ाया, इलेक्ट्रिसिटी से दांत कड़कड़ाया, क्योंकि भैया शॉक लगा तो दांत तो कड़कड़ाएगा ही, मर भी सकते हो, तो बच के रहने का। तो आपको लेबोरेटरी मेथड तो समझ में आ गया, लार्ज स्केल पे क्लोरीन गैस को बनाने का बेहतरीन तरीका इलेक्ट्रिसिटी से दांत कड़कड़ाया। देखते हैं कैसे दांत कड़कड़ाया भाई। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस। और किसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, इसमें बहुत जोर नहीं देने का, क्योंकि आप इस रिएक्शन को पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। आप ब्राइन सॉल्यूशन का क्या कराने वाले हो, इलेक्ट्रोलिसिस। NaCl एक्वस लिया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया। आपको पता है क्लास 10th में पढ़ाया आपने इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का, कास्टिक सोडा बनाने का एक तरीका है NaOH, साथ में मिला था आपको हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या मिला था आपको, क्लोरीन गैस। यहाँ जरूरत किसकी है आपको, क्लोरीन गैस की। तो यहाँ प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होके यहाँ प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, क्लोरीन गैस। तो ये आप लार्ज स्केल पे क्लोरीन इस तरह से बना सकते हो। और एक लास्ट रिएक्शन, भैया सोच रहे हो कि दांत कड़कड़ाया, सर दांत जब कड़कड़ाया तो दांत कड़कड़ाने का मतलब है यहाँ, यहाँ एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं डेकॉन प्रोसेस, नाम में कोई दम नहीं है, डेकॉन प्रोसेस, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। और यहाँ अगर दांत कड़कड़ाया तो यहाँ कैटालिस्ट यूज किया जाता है CuCl2। ये बहुत बार पूछा गया कि डेकॉन प्रोसेस में कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, CuCl2 यूज किया जाएगा। तो हम लोग बना लेते हैं भैया, ये भी प्रोडक्ट बना लेते हैं डेकॉन प्रोसेस, और आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, आपका खत्म, डेकॉन प्रोसेस। ठीक है, डेकॉन प्रोसेस में क्या लेंगे, डेकॉन प्रोसेस में लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, और किसके साथ पास करेंगे, यहाँ भी गैस यहाँ भी गैस। आपके पास कोई मेटल कैटलिस्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसी के सरफेस पे ये एड्सॉर्ब होंगे, और फाइनली हमको क्या मिलने वाला है, फाइनली मिलने वाला है क्लोरीन गैस, और साथ में मिलेगा वाटर लिक्विड फॉर्म में। वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, बिकॉज बाई प्रोडक्ट इज लिक्विड। तो गैस गैस तो बन ही नहीं रहे कि आपस में मिक्स हो जाएंगे, जैसे यहां क्या है, सेपरेशन के लिए आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, लेकिन यहां कोई सेपरेशन का टेक्निक नहीं यूज करना है, क्योंकि एक लिक्विड है दूसरा गैस, तो लिक्विड में गैस तो क्लोरीन गैस डिजोल्व नहीं होने वाली है, तो क्लोरीन गैस डिजोल्व नहीं होने वाली है, तो आसानी से हम क्लोरीन गैस जहां भी लिबरेट होगा अलग कंटेनर में ले जाके स्टोर कर सकते हैं। तो ओनली 8 मिनट प्रिपरेशन खत्म, नोट कर लो। तो भाई अब हम लोग क्लोरीन गैस की क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो गैस है बट ग्रीनिश येलो कलर का गैस है, और 2 to 3 टाइम हैवियर देन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से 2 से 3 टाइम्स आपका क्या हैवियर है, और ग्रीनिश येलो कलर का गैस है। इसके अलावा पंजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत तीखी स्मेल है, आप इसको स्मेल नहीं कर सकते हो बहुत लंबे समय तक, है ना। अब उसके बाद हम लोग का इम्पॉर्टेंट क्या रह जाता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का भी हमारे पास बहुत अच्छा ट्रिक है जिसको आप यूज़ करोगे, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन एक साथ एक मुट्ठी में निकल के आ जाएंगे। क्या आपको देखना है, आपको याद करना है एक पर्सन है जिसका नाम है अली। अली इज़ लाइक कपिल शर्मा जो आपको कॉमेडी सुनाता है, और अगर कपिल शर्मा का नाम सुनते हैं तो तुरंत चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, रीजन क्योंकि पूरा हमेशा जोकी करता रहता है। तो उसी तरह से एक पर्सन है अली जिसका नाम सुनते ही हंसी आ जाती है। तो एक पर्सन ने कहा भैया आज अली नहीं आया फिर भी लोग मुस्कुराए, क्योंकि अली का नाम सुनते ही लोग मुस्कुराना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो ये आपको छोटी सी कहानी याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन फटाफट 2 मिनट में तैयार। क्या है भैया, अली नहीं आया, नहीं आया फिर भी लोग मुस्कुराए। अली नहीं आया फिर भी लोग, या सब कह सकते हो, सब बेटर है, सब हंसते हैं या मुस्कुराते हैं।
अली नहीं आया फिर भी लोग हंसते हैं या मुस्कुराते हैं, ये याद रहेगा तो आपको सारी केमिकल प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी। अली से यहाँ मतलब है एल्युमिनियम, नहीं से मतलब है सोडियम, आया से मतलब है यहाँ है ना, अली नहीं फिर भी, यहाँ आया हटा दो, आया से दिक्कत करेगा, अली नहीं फिर भी सब हंसते हैं, फिर से हो जाएगा आयरन, बी से हो जाएगा फास्फोरस, सब से हो जाएगा सल्फर, हंसते से हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, और है से हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 सात रिएक्शन, एक मिनट, खत्म कहानी। अली नहीं है फिर भी लोग हंसते हैं, है दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ है लिख दे रहा हूँ, दिक्कत मत करिएगा भाई, यहाँ है से हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो अली नहीं फिर भी सब हंसते हैं, हो जाएगा 7 रिएक्शन 2 मिनट, खत्म कहानी। क्लोरीन गैस की केमिकल प्रॉपर्टी के 50% पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। तो सब जगह रिएक्शन करने वाला कौन भैया? क्लोरीन गैस। तो हम लोग सबका कराते हैं क्लोरीन गैस का रिएक्शन, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ भी क्लोरीन गैस, यहाँ भी क्लोरीन गैस, और यहाँ भी कौन आने वाला है? क्लोरीन गैस ही आने वाला है। प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट एक मिनट लगा प्रोडक्ट तैयार, यहाँ बना AlCl3 बाकी बैलेंसिंग आपकी जिम्मेदारी, यहाँ बना NaCl बैलेंसिंग यहाँ भी आपकी जिम्मेदारी, यहाँ बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ भी आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ बना FeCl3 यहाँ भी बैलेंस कर सकते हो, यहाँ बना PCl3 नो प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग, यहाँ बना H2Cl2 यहाँ भी बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ बना आपका HCl और एलिमेंटल सल्फर यहाँ से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर को सेपरेट करने का एक मेथड है। तो 7 रिएक्शन 2 मिनट, अली नहीं है फिर भी सब हंसते हैं, तो हंसते रहिए, तैयार करते रहिए, नोट कर लो इसको, ठीक है बेटा। ये आपके 7 रिएक्शन के बाद हम 3 ऐसे रिएक्शन बताने जा रहे हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप नीट एग्जामिनेशन के बारे में या जेई एग्जाम के बारे में सोच रहे हो। तो ये 3 रिएक्शन मैं और आपके सामने लिख दे रहा हूँ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। क्लोरीन गैस किस तरह से किसी भी हाइड्रोकार्बन से कार्बन को लिबरेट करता है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये मेरे पास हाइड्रोकार्बन है C10H16, इसमें हमने क्लोरीन गैस को जैसे ही पास किया तुरंत हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेंगे 16 मॉलिक्यूल, और यहाँ से कार्बन पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। अब देख लीजिए भैया, आज के लेक्चर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको हम हॉट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, एकदम हॉट गर्मा गर्म रिएक्शन आपके सामने है, और बहुत ध्यान से नहीं तो मुंह जल जाएगा बेटा, है ना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ रहा है, 100% गारंटी लेता हूँ मैं, एग्जाम में आ रहा है। आपके पास दो लोग हैं, मतलब आपके पास एक ही लोग हैं, उनका दो रूप है, बहुरूपिया है, और वो बहुरूपिया कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिर मैंने यहाँ लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कहोगे सर ये कैसे बहुरूपिया हुआ भाई? एक जगह ये डाइल्यूट है, मतलब पानी में मिलाया हुआ है, और पानी मिला देते ही ठंडा हो गया, डाइल्यूट है, कोल्ड है। एक जगह पानी हटा दिया गया है तो ये कंसनट्रेटेड है, और उबलता हुआ है तो ये हॉट है। एक जगह हॉट एंड कंसनट्रेटेड, ये एक जगह कोल्ड एंड डाइल्यूटेड, और दोनों में हम क्लोरीन गैस को क्या करने वाले हैं? पास करने वाले हैं। देख लो भैया, है ना, दोनों में जैसे ही क्लोरीन गैस को मैंने पास किया, दोनों में कुछ तो ऐसे बाई प्रोडक्ट हैं जो कॉमन है। प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट में सिंपल सा डिफरेंस है, जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट है, जिसकी जरूरत नहीं वो क्या है? आपका बाई प्रोडक्ट है। तो आप कुछ भी कह सकते हो बेटा, आपका दोनों में ए बना भाई NaCl, यहाँ भी बना क्या है आपका NaCl, यहाँ भी बना आपका वाटर, और यहाँ भी बना आपका वाटर, लेकिन दोनों के एक प्रोडक्ट 100% डिफरेंट हैं, क्योंकि एक जगह डाइल्यूट है और ठंडा है, एक जगह गर्मा गर्म है और कंसनट्रेटेड है। जहाँ गर्मा गर्म है वहाँ मामला ज़्यादा है, और जहाँ ठंडा है वहाँ मामला कम है, किसका? ऑक्सीजन का। देख लो, देख लो भैया, Na क्या बनेगा भाई? NaOCl, और यहाँ बनेगा NaCl
CLO3। देख लो भाई यहाँ ऑक्सीजन का ही मामला है, बाकी NaCl यहाँ भी, NaCl यहाँ भी, NaCl यहाँ। इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड है बेटा, सोडियम हाइपोक्लोरेट। बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ रेट बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ गया है, यहाँ राइड करेगा क्योंकि ऑक्सीजन कम है। तो आप ये तीन रिएक्शन या आपके सामने जो मैंने लिखा है इसको बढ़िया से ध्यान से घूर के देख लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। नोट कर लो बेटा इसको, होपफुली सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से हम क्लोरीन गैस के बारे में देख रहे हैं, सीख रहे हैं। 15 मिनट में हमने कम से कम 15 रिएक्शन आपको सिखाया, लास्ट के 2-3 मिनट आप दीजिए, मैक्सिमम 5 मिनट, आपकी 5-6 रिएक्शन और क्लोरीन की कहानी खत्म, ठीक है ना। तो एक और कहानी सुन लीजिए आप, वो कहानी ये है कि एक लड़की है, बहुत गरीब है बेचारी, और गरीब है तो भाई घर तो होगा नहीं उसके पास, और अगर घर होगा तो बहुत टूटा फूटा घर होगा। तो टूटा फूटा घर है और रात भर बारिश हो रही है, कंडीशन एक लड़की है गरीब है और टूटा फूटा उसका घर है और टूटे फूटे घर में रात भर बारिश हो रही है, तो रात भर बारिश होगी तो वो सो नहीं पाएगी। तो उसके एक दोस्त ने कहा कि फिर नहीं सो पाई वो, क्यों नहीं सो पाई भाई, फिर नहीं सोई या फिर नहीं सो पाई, कुछ भी कह सकते हो, फिर नहीं सोई क्यों, क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी। तो रात भर बारिश हो रही थी तो हमको पता है भैया, फिर नहीं सोई, फिर नहीं सोई, तो फिर नहीं सोई क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी, तो सोई ही नहीं तो बारिश हो रही थी, तो बारिश में पानी क्या होता है, पानी गिरता ही गिरता है। तो यहाँ मैंने वाटर लिया, यहाँ मैंने वाटर लिया, यहाँ मैंने वाटर लिया, यहाँ हमने वाटर लिया, तो वाटर तो ले ही लिया भैया क्योंकि रात भर बारिश ही हो रही थी, सब में वाटर का इम्पोर्टेंट है ना। अब देख लीजिए आपका क्या होने वाला है, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ फिर का मतलब है FeSO4, यहाँ नहीं का क्या मतलब होने वाला है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइट, यहाँ सो का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ आई का मतलब है आयोडीन, सॉलिड फॉर्म में होता है, वायलेट येलो कलर का होता है और सबका रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ होने वाला है। तो यहाँ हमने क्लोरीन गैस डाला, 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 बट यहाँ पे वाटर की जगह हमने वाटर नहीं, यहाँ हमारे पास होना चाहिए H2SO4, मतलब फिर आपका फिर नहीं सोई क्योंकि वाटर का पूरे कंटिन्यू रात भर बारिश हो रही थी। अब आपका प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल सिंपल प्रोडक्ट बनने वाले हैं, आप ध्यान से देखेंगे सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि सबका एक प्रोडक्ट कॉमन है और वो कॉमन प्रोडक्ट मैं सबसे पहले ही लिख देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सब में HCl बनने वाला है। अब आप देख लीजिए ये एक एक रिएक्शन जहां से आपको सिंपल लगी, ये लिया मैंने, आपको H2SO4 मिलेगा, मैंने आयोडीन लिया है, आयोडिक एसिड मिलेगा, HIO3 मिलेगा, ठीक है ना। आपने क्या लिया, Na2SO3 लिया, तो Na2SO4 मिलने वाला है, मिल गया Na2SO4। आपने FeSO4 लिया, H2SO4 लिया, दो लिया है तो दो ले लो भाई, Fe2SO4 का होल थ्राइ, ये भी मिलने वाला है। इस तरह से आपकी ये 4 रिएक्शन और तैयार हो जाते हैं। तो याद करिए हमने प्रिपरेशन में कितने रिएक्शन बताए, हमने प्रिपरेशन में 3-5 रिएक्शन बताए, 7 रिएक्शन एक साथ देखा, तो टोटल रिएक्शन देखो, 5 रिएक्शन एक जगह, 7 रिएक्शन एक जगह, 3 रिएक्शन आपने कार्बन का देखा, कार्बन निकाला, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 रिएक्शन देखे, मतलब 3 रिएक्शन वहाँ देखा आपने, और ये 4 रिएक्शन और हो जाना, तो 7, 3, 10 एंड 5, 19 रिएक्शन और 20 मिनट, एक रिएक्शन 1 मिनट, क्लोरीन खत्म। तो मैंने एक रिएक्शन के लिए 1 मिनट मांगा है और जो कहानियां मैंने बताई है क्लोरीन गैस के लिए, होपफुली आपका तैयार हो गया होगा, समझ में आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिए बेटा। ये लाल कलर देख रहे हो इसलिए क्योंकि लाल बटन अगर प्रेस नहीं किया तुरंत प्रेस करिए,
फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।